हर हर महादेव। फाइनली मुझे नेटवर्क मिल गया और मैं लाइव आ गई। तो सॉरी सुबह आप लोगों को मैं नहीं ले जा पाई वहाँ पे, इच्छा तो बहुत थी, वहाँ जाके नेटवर्क बंद हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो अभी मैं यहाँ पर दूसरी तरह की ऑफरिंग्स देने के लिए आई हूँ। ये लास्ट है, लास्ट मतलब ये सेकेंड लास्ट है। रात को मेरी फाइनल ऑफरिंग्स होंगी, वो क्रॉस रोड की होंगी, फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सो अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं मंदिर, ये मंदिर के पीछे जो हमारा ओशन है, मैं इधर आई हूँ अभी ऑफरिंग्स के लिए। और ज्योति बेचारी मेरे साथ परेशान हो गई है, इधर जा उधर जा, इधर लेके जा रही हूँ उसको, इधर उधर लेके जा रही हूँ, खिसका रही हूँ, वो मेरे साथ परेशान हो गए। बड़े भयंकर मुझे चलने का बहुत आदत है और ज्योति परेशान हो रही है, चल चल के किधर किधर जाना है, किधर किधर जाना है डॉक्टर। तो आई लव वॉकिंग, मुझे पसंद है, आई इन्जॉय मेरे आसपास का एनवायरनमेंट। मैं कोली ग्रेव्स के पिक्चर्स आपको डाले हैं आप लोगों के लिए। आई ऑलवेज फील की मेरी जर्नी में आप लोग क्या साक्षी बने। तो और ये है वो ब्रह्म पर्वत का श्रृंखला जो पीछे तक जाता है, इधर गुफाएं भी हैं और इधर क्रिस्टल्स भी हैं। मुझे स्फटिक मिला है दो तरह का यहाँ पे, एक जो क्लियर क्वार्ट्ज जिसे कहते हैं, वो एक स्फटिक मुझे यहाँ मिला था, और एक वो मैं आपको अगर मैं उस तरफ गई तो दिखाऊंगी, और एक मुझे एमेथिस्ट टाइप पर्पल, बहुत साल पहले की बात करूँ जब हम लोग प्रॉपर शूटिंग चल रही थी यहाँ पे, उस समय वो चीज़ों को हमने मतलब वी फाउंड फ्यू थिंग्स। यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है, कुछ लोग अस्थि विसर्जन भी करते हैं। यहाँ पे पीछे एक जगह है जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ गंगा में ले जाते हैं, एक स्थान है ब्रह्म समथिंग, मैं नाम भूल गई उसकी, तो वहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन किया जाता है, जैसा हम लोग हरिद्वार या गया में करते हैं, ऐसा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेंपल्स दिखा, छोटे वाले जहाँ पिंडदान और पितृ पूजा होती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ प्लेस। ये यहाँ पे पिंडदान हुआ है तो ये वो प्लेस है, तो यहाँ पर ही हम लोग भी, यहाँ नहीं एग्जैक्टली बट तो यहाँ पे ऐसी पूजा की गई है। और प्लेसेस भी हैं, और आप माने या नहीं माने बट महाराष्ट्र में एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि दत्त संप्रदाय का बहुत होल्ड है इधर, नाथ संप्रदाय का, तो तंत्र से जुड़े हुए कार्य के निशान आप देख पाते हैं, उससे जुड़ा हुआ कार्य के आपको व्हाट डू आई से एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अभी ये पुरानी एक विग्रह है, शिवलिंग नंदी और आई डोंट नो ये कौन से वाले हैं, बट ये विसर्जन के लिए रखे गए हैं, यहीं पे रखे गए हैं, इनको रख दिया गया है इलाके। ऐसे बहुत सारे उधर अवशेष मिलते हैं, ऐसे पुराने जो बहुत पुराने टेंपल हुआ करते थे, जो पुरानी मूर्तियां हो जाती हैं, फिर यहाँ से प्रॉपरली उनको मंत्र वगैरह के साथ में विसर्जित कर दिया जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली ब्रह्म गुफा से इस तरफ आते हैं, मैं उल्टा चल रही हूँ, परिक्रमा उधर से इधर होती है, मैं इधर से उधर जा रही हूँ। अच्छा अभी यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, पहले नहीं होती थी तो हाँ। ज्योति आप धीरे धीरे आते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तक ही जा रही हूँ। So I've reached one place where I'm going to give my offerings. This I shot years ago. This place. See, Bhagwan Datta's
विग्रह, बट वो विखंड खंडित वाला विग्रह इधर आप देख रहे हैं जो खंडित हो गए रखा है। दुर्गा नहीं है ये, दुर्गा का ही एक रूप है जो भेड़े के ऊपर है, वो मूर्ति है ये वाली। और ये शायद सती पार्वती हैं, क्लियर नहीं है मुझे। हनुमान जी हैं एक, और शायद वो भैरव हैं पीछे, एक शिव जी भी हैं और एक पीछे है। बट अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्टोन ओके। और इसी तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ एक गुफा है जिसे हम ब्रह्म गुफा बोलते हैं, उसमें अंदर पानी होता है। अभी अगर इस तरफ चले जाएंगे, जो कि यहाँ पे जब बोलते हैं भर्ती चालू है मतलब जब हाई टाइड होता है तो यहाँ पर पानी काफ़ी ऊपर तक आता है। और एक वार्निंग भी दे रखी है, पहले से ही लिखा भी हुआ है कि उस टाइम पे यहाँ ना रहें, मतलब क्योंकि पानी काफ़ी, और उसमें काफ़ी लोगों, मतलब एक्सीडेंटली बहुत सारे लोग समुंदर में चले गए एक्सीडेंटली, क्योंकि उनको पता नहीं था, वहाँ नेटवर्क नहीं मिला और वो किसी से हेल्प नहीं ले पाए और वो जीवित उनका विसर्जन हो गया। अभी मैं जा रही हूँ ये ऑफरिंग देने, आप बताइए दीजिए। फ़ोन आपके पास है, क्लिक सम पिक्चर्स, ये पकड़ लो, इसका काम नहीं है, गिर जाएगा। आओ, तो मैं अब जा रही हूँ ऑफरिंग्स देने। इसमें मछलियाँ भी हैं, क्रैब भी हैं। ओके वेट, इसमें मछलियाँ हैं और क्रैब कुछ हैं। तो मुझे अच्छा, अभी किसी ने पूजा की भी है इधर, ऑलरेडी किसी ने पूजा किया है इधर, नहीं देख सकते, करके गए हैं इधर पूजा। धूप बहुत तेज़ है, मैं थोड़ा कैमरा पे ध्यान रखूँगी और थोड़ा मेरे चलने पे भी ध्यान रखूँगी। तो मैं अभी मैं हूँ बिल्कुल हमारे विनय नमाने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तो ये हम समुद्र राज के यहाँ पर हैं, ओके। मैं थोड़ा और पैर संभाल के, शैवाल है बहुत सारा इधर, तो मैं इधर से ऑफरिंग्स दूंगी। अब क्या है कि मैं लाइव रखूंगी अगर, तो मुझे एक हाथ से ब्र, तो अभी मैं वेट, इधर है पूरा गीला, ठीक है, मैं बैठ भी नहीं सकती नीचे, और मैं लेफ्ट हैंड में कैमरा पकड़ के रखती हूँ पर मेरा ध्यान रहेगा इधर, तो कैमरा हिलेगा तो डोंट वरी, मैं प्रेयर करके फिर से कनेक्ट हो जाऊंगी आपसे। कहते हैं कि जब हम नदियों के पास या समुंदर के पास जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, तो ऑफरिंग्स लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि हम उन जो हम जितना उन्हें देने की हमारी औकात नहीं है, उससे 100 गुना ज़्यादा हमें वो देते हैं। तो मेरी औकात बिल्कुल कुछ नहीं है, मेरी बिल्कुल भी औकात कुछ नहीं है। मैं ये छोटा सा चांदी का सिक्का लेके आई हूँ ऑफरिंग के लिए, और क्योंकि जब मैं प्रेयर्स करती हूँ तो प्रेयर्स में मेरे सभी शामिल होते हैं, स्पेशली जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग मेरे दिमाग में ही रहते हैं। मैं फ्रूट्स लाई हूँ, फ्लावर्स लेकर आई हूँ, नारियल लेकर आई हूँ, और ये मैं मेरी ऑफरिंग्स हैं। आप इधर देख रही है,
मैं हनी लाई हूँ, फ्रूट्स लाई हूँ, सिल्वर कॉइन है। ये ऑफरिंग्स आप लोग भी दे सकते हैं उसके लिए, जब विशेष कुछ दिन होते हैं तो आप ये ऑफरिंग्स दे सकते हैं। मैं तिलक लेकर आई हूँ, चंदन है। अरे वो थैली उड़ गई। ये पुष्प हैं जो चंदन, और ये शहद भी है, अष्टगंध वाला चंदन है जो महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस माना जाता है। बहुत अच्छी खुशबू रहती है इसकी। अभी तो लहर ऐसे लगा लेने के लिए आ गई सब। ओह सो क्यूट। अभी मैं यहाँ पर ओके। अभी मैं जा रही हूँ हनी डालने के लिए। मैं थोड़ा हनी दूसरी जगह से डाल रही हूँ ताकि अंदर जाए। जैसे कोशिश करूँगी, जैसे यहाँ से जब लहरें आएंगी तो ये हनी पूरा अंदर चला जाएगा, शुद्ध शहद। हम मिठाई लेके जाते हैं और मिठाई आजकल मुझे शुरू से जो है हनी पसंद है उनको ऑफर करना नेचर में, क्योंकि एलिमेंटल है, नेचुरल है। तो यस मुझे बड़ा आनंद आता है भाई नेचर से मिलके। तो ये ऑफरिंग्स हम देते हैं थैंक्स के लिए कि मतलब हमें इतना अबंडेंस अबंडेंस में इतना हमें भगवान ने दिया है। हमारी औकात कुछ भी नहीं है, बट फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए जितना हम कर सकें हमें थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए। तो ये मेरा छोटा छोटा थैंक्स होता है, फिर प्रेयर्स जो होती हैं वो अलग होती हैं, ऑफरिंग्स होती हैं कि हम थैंक्स कह पाएँ, धन्यवाद दे पाएँ। इतना भगवान हमें देते हैं, इतना यूनिवर्स हमें देता है, इतना नेचर हमें देती है, एलिमेंट्स हमें देते हैं, जो शायद हम इनफैक्ट रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमें कितना उन्होंने दिया है। और हम होते ना किसी भी चीज़ का एडवांटेज लेने में बिलीव करने लगते हैं, और वो हम करते आए हैं, और इसी वजह से कई बार हमने नुकसान झेले हैं। आप जब भी नेचुरल इसमें जाएं तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू दोज हु अंडरस्टैंड एनर्जीज हाउ दे वर्क एंड दे आर वेरी रेसिप्रोकल। हाँ, आपने वो कहानी सुनी होगी कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसमें जो वो गरीब व्यक्ति होता है जो फाइनली उसके पास बहुत पैसा आता है, तो वो कैसे आता है, उसको क्या नारद जी क्या बोलते हैं कि तुम जो आज की तुम्हारी कमाई होगी उससे भगवान के लिए सब कुछ खरीदना, और वो प्रॉमिस को पूरा करता है। जब वो प्रॉमिस पूरा करता है तब वो जाके रिच बनता है, तब वो जा करके उसको वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये एनर्जीज हैं जो बहुत रेसिप्रोकल होती हैं, वो आपके हर एक्ट को काउंट कर रही होती हैं, चेक कर रही होती हैं। वी ऑल आर कंट्रोल्ड एंड एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। तो ये मत सोचिए कि अरे ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होता है। हर चीज़ से हर कुछ होता है। ज्योति इधर तो जाने जैसा नहीं है, स्लिपरी लग रहा है मुझे, इधर ही चलते हैं। इधर जाने जैसा नहीं लग रहा है, उधर से पानी है ना बीच बीच में, चलना है क्या उधर? हाँ वही, इधर जाते हैं। तो हम लोग
उल्टी परिक्रमा नहीं करेंगे, हम लोग इधर आ गए, अभी नारियल पानी पियेंगे। तो शुद्ध जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस को हम ऑफर करते आए हैं। हाँ, आप क्या चाहिए? हाथ और या सी देखो इनकी मैं इतनी हंसी उड़ा रही हूँ ना चलो आओ, चल पाओगे? चलो। ज्योति की मैं खूब खिंचाई कर रही हूँ, मुझे बहुत मजे आते हैं ज्योति की खिंचाई करने में। यू वांट नारियल? हाँ विल हैव नारियल पानी। चलो 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 उधर खाना। हाँ कोई बात नहीं, नारियल पानी पीते हैं ना उधर। मलाई वाला जी, तो आप लोग वर्चुअली नारियल पानी पी लीजिए, रियलिटी में तो मिलने वाला नहीं। मेरा वॉलेट आपके पास है? तो काका हमको नारियल पिला रहे हैं, थैंक यू। ये पतली मलाई ना, ये लो। हाँ मुझे भी एक और। तो जब भी आप, एक्चुअली हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि हम कहीं जाएंगे तभी थैंक्स बोलेंगे। नेचर हर तरफ है, हम नेचर से बने हैं, चारों तरफ हमारे नेचर है। जितना हो सके बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं कि हमें ये मिले वो मिले, लेकिन हम उसके बदले में हमने क्या कुछ किया है कि जिसकी वजह से हमें मिलना चाहिए? वी शुड बी आस्किंग दिस टू सेल्फ कि हमने कुछ ऐसा किया है क्या कि हमें उतना मिले जो हम मांग रहे हैं। जैसे आप नौकरी करते हो और उसके बदले में आपको पगार मिलती है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि अरे उसके पास तो पैसा है इतना, मतलब मेरे नौकरी नहीं करूं तो भी मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान भी किसी के बाप का नौकर नहीं है, जितना करोगे उतना ही पाओगे। जितना आपका विश्वास स्थिर है, दृढ़ है उसमें, और जितना आप अपने आसपास को ऑब्जर्व करके कुछ करने की कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, रिटर्न्स मिलेंगे। सो रिमेंबर, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एंड एनर्जीज आर रेसिप्रोकल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। मैं अभी थोड़ी देर नारियल पीऊँगी यहाँ से, मुझे इसके बाद मैं जाऊँगी, विल सी अगर कुछ और अच्छा मुझे मिलेगा आपको दिखाने के लिए तो आई विल शेयर। अंटिल देन एंजॉय नारियल पानी। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत। एक सेकंड पकड़ना ज्योति। सारा चिपचिप हो गया सब।